बीजेपी के संपर्क में एक ही पार्टी के नेता थे जो चिन्हित हो गए, तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जैसे आदमी पकड़ा जाता है तो खुद ही अपना इस्तीफा देके चले गए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद से कल जदयू में काफी खलबली मची हुई है। आज भी जदयू पूरे दिन लगातार इस बात पर मंथन करती रही कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि वो भाजपा के संपर्क में है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बात में सच्चाई भी होगी। जिस तरीके के राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं उसमें कहीं भी हल्की बात नहीं होती है, बहुत ही गंभीर राजनीतिज्ञों में से उन्हें माना जाता है। और अगर यदि ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाजपा के संपर्क में है नीतीश कुमार के कई नेता, तो अब उन्हें चिन्हित करने की जो प्रक्रिया है उसे भी शुरू कर देनी चाहिए जदयू को। लेकिन समस्या के समाधान के बजाय अब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खुलना शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी खबर आ रही है कि भाजपा से बातचीत कर चुके हैं, दिल्ली में भी प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी भाजपा नेताओं से, और ये लगभग तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी पार्टी नई बनाकर रालोसपा पुनः भाजपा के साथ जा रहे हैं। हालांकि अपने मुंह से उन्होंने ये बात नहीं कही है, लेकिन उसके आसपास के लोग, चाहे समता फुले के अध्यक्ष रहे हों परिषद के, उन्होंने भी ये बात कह दी कि बार बार ये एहसास कराना कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से 3 बार जा चुके हैं, ये अपने आप में ही एक गलत अवधारणा है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में शुचिता के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने कभी किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, ना कभी किसी के लिए राजनीतिक द्वेष पाला। ऐसे में नीतीश कुमार का इन बयानों को देना ये एहसास कराता है कि नीतीश कुमार और जदयू के लोगों के मन में क्या चल रहा है। अभी इस ये सब कुछ तो चल ही रहा है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को अब पार्टी से काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सभी बात ये जानते हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा जितना दिन जदयू में रहेंगे उतना ही पार्टी पर भार पड़ता रहेगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को छांटने को लेकर, उन्हें बाहर करने को लेकर एक अंतिम बयान आज खुद ललन सिंह ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने दे दिया है। पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बात को जरूर चिन्हित करना चाहिए कि जिन लोगों की चर्चा वो कर रहे हैं कि वो भाजपा के संपर्क में हैं वो कौन से लोग हैं। पूर्व काल में हमें एहसास हुआ कि कई लोग भाजपा के संपर्क में हैं, हमने उन्हें बाहर किया। कुछ लोग ऑटोमेटिकली पकड़ा गए, वो खुद बाहर हो गए। आरसीपी सिंह की बात भी की गई, इशारों में आरसीपी सिंह पर भी हमला हुआ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि इस्तीफा ऐसे लोगों का खुद ही आ जाता है जो भाजपा या अन्य पार्टियों के संपर्क में रहते हैं। हमारी पार्टी में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो अन्य पार्टियों के संपर्क में रहेंगे उन्हें बाहर जाना ही होगा। वो खुद चले जाए तो अच्छा है, वरना पार्टी बाहर निकालना भी जानती है। ललन सिंह के बयान के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जदयू अब उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को कंसेंट में ले चुकी है। आज भी नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान को कंसेंट लिया और कहा कि ये उनको बताना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं। और अब ललन सिंह की तरफ से बयान आने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि अब जदयू उपेंद्र कुशवाहा के आगे की रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी से लगभग बोरिया बिस्तर समाप्त हो गया है। बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं कि यहाँ बीजेपी के नेता, कोई भी बीजेपी के संपर्क में जनता दलियों का नेता नहीं है। अब ये तो वो बता सकते हैं कि किनके बाप किनको चिन्हित करके वह बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के संपर्क में एक ही पार्टी के नेता थे जो चिन्हित हो गए, और जब चिन्हित हो गए तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जैसे आदमी पकड़ा जाता है तो खुद ही अपना इस्तीफा दे के चले गए, तो इसलिए इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अब ये बता सकते हैं कि किसको मान कर रहे हैं। सर, उनकी नाराजगी की वजह क्या लगती है आपको? उनको नहीं लगता है कि कोई नाराजगी का कोई वजह हो, कोई नाराजगी का कारण ही नहीं हो सकता, इसलिए कि जब भी उनके लोग, उनकी पार्टी का विलय हुआ जनता दलियों में, और उनके साथ जो लोग आए उनको जहां जहां संगठन में उन्होंने जगह देने की बात कही, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी ने विभिन्न प्रकोष्ठों में पार्टी के मूल संगठन में जहां जहां उनके लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता था उनको एकोमोडेट करके और उनके सभी लोगों को सम्मान दिया गया पार्टी के अंदर।
सर उनसे दो तीन बीजेपी के नेता मिलने गए थे, उसके बाद काफी तरह के सवाल खड़े हो रहे। अब ये तो अलग बात है, ये तो वो बता सकते हैं, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।